नमस्कार दोस्तों, काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि ई अवार्ड्स भरने हैं और ई अवार्ड्स भरने में jci.cc पे अपना एक्टिवेशन करना भी ज़रूरी होता है और ये अवार्ड कैसे भरे जाते हैं, तो उसकी हम लोग वन टू वन ट्रेनिंग तो नहीं कर पाएंगे, शायद सबको मिला के भी बुला के भी कहीं पे ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसका एक वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो आप देखिएगा तो आपको बहुत सारा ध्यान में आ जाएगा, और फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप फिर हमें कांटेक्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके लोन के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनका 2019 के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनका jci.cc पे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि www.jci.cc पे जाना है, तो jci.cc पे जाने के से आपकी इस टाइप से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको साइनअप पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप साइनअप पे क्लिक करोगे तो ये कितनी डिटेल्स आपसे मांगेगा, आपको ये डिटेल्स फिलअप करनी होगी कि आपका फर्स्ट नेम कौन सा है, आपका लास्ट नेम कौन सा है, आपका ईमेल आईडी कौन सा है, फिर जो डेट ऑफ बर्थ है वो कौन सी है, पासवर्ड आपको क्या रखना है, मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का पासवर्ड आप रख पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि ये ईमेल का ही पासवर्ड आपको रखना है, आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड रखवाएंगे, बस पासवर्ड आपको याद रहना ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि पासवर्ड देने के बाद आप उसको भूल जाओ। तो पासवर्ड आपको देना है, सेम पासवर्ड आपको कन्फर्मेशन में डालना है। ऑर्गेनाइजेशन आपको सिलेक्ट करनी है, ऑर्गेनाइजेशन में आप सिलेक्ट करेंगे इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप इंडिया को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर नीचे एक और विंडो ओपन हो जाएगी और आपका जो भी लोन है वो यहाँ दिखाई देगा, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। मीन जो भी लोन है, अगर कोई नया भी लोन है तो नया लोन भी अगर 2 साल के ड्यूज गए हैं तो यहाँ पे दिखाई देगा, एक्टिव आपको दिखाई देगा यहाँ पे, तो उस हिसाब से ये नया लोन है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपका जो भी लोन होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, उस लोन को आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको आपके घर का एड्रेस डालना है, 2 लाइन में सिटी आपको एंटर करनी है, स्टेट आपको एंटर करना है, पिन कोड आपको एंटर करना है, आपकी कंट्री कौन सी है वो सिलेक्ट करनी है, बिजनेस का फ़ोन नंबर कौन सा है वो डालना है, घर का फ़ोन नंबर कौन सा डालना है, आपका मोबाइल कौन सा है वो डालना है, URL अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वो यहाँ पे एंटर करनी है, आपकी लैंग्वेज कौन सी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए कि हमारी हिंदी, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज है, आप jci.cc में ट्रेनिंग करोगे इंटरनेशनल लेवल पर तो कौन सी लैंग्वेज में ट्रेनिंग करोगे वो आपको सिलेक्ट करनी है, ट्रेनिंग लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है कि ट्रेनिंग जो होगी वो भी हम इंग्लिश के अंदर करेंगे तो वो आपको सिलेक्ट करनी है, जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी चूज़ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं देना है, कोई फाइल नहीं दे रखनी है, एजुकेशन लेवल आपका कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है, हाउस होल्ड इनकम आपकी कितनी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, और ये सारी जो फील्ड है वो ऑप्शनल है, यहाँ पे किसी में भी रेड मार्क या स्ट्रिक नहीं किया गया है, जहाँ पे ये किया गया है ये जो फील्ड है वो कंपलसरी हो जाती है, ये फील्ड आपकी ऑप्शनल है, बट फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सारी फील्ड को प्रॉपरली फिलअप करें, आपका जॉब लेवल कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है, और एम्प्लॉयर टाइप आपकी सिलेक्ट करनी है कि आप कौन से टाइप के बिजनेस में है या तो जॉब में है वो आपको सिलेक्ट करना है। इन दोनों को आपको टिक मार्क कर लेना है, आपको एग्री करना पड़ेगा तभी आगे जा पाएंगे, और फिर फाइनली आपको साइन अप कर देना है। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। एज फॉर एग्जांपल मैं फटाफट आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इस हिसाब से सब कुछ आ जाएगा, यहाँ पे सब कुछ जो है यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ईयर आ जाएंगे, और आपको जो भी ईयर सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे, कौन सी डेट है क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे, पासवर्ड आपको कौन सा रखना है वो आप सेट कर पाएंगे। तो मींस कहने का मतलब है बहुत ही इजी है रजिस्ट्रेशन, आप देखते जाइए तो बहुत सिंपल से फिलअप करना है। ये सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी मेरे लैपटॉप में, मैंने अपने आईडी पे सब कुछ ऑटो फिल रखा है ताकि मैं सिर्फ कोई भी एक चीज़ डालूँ, मेरा मोबाइल नंबर डालूँ तो रिमेनिंग फील्ड ऑटो फिल हो जाती है, मैं अपना ईमेल आईडी डालूं तो रिमेनिंग फील्ड ऑटो फिल हो जाती है। आप में शायद ये नहीं होगा तो आपको मैन्युअली सब कुछ टाइप करना पड़ेगा।
वैसी बात है, मैं यहाँ पे सिर्फ फिलअप करता हूँ तो सब कुछ आ जाता है, कौन सी लैंग्वेज क्या रखना है सब कुछ करके आपको जो है कि सिर्फ सेलेक्ट कर देना है। और टिक मार्क करके साइन अप कर देना है। मैं ऑलरेडी साइन अप हुई इसलिए मैं साइन अप नहीं कर रहा हूँ, बट आपको ध्यान में आ गया होगा कि JCI.CC पे अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आपके अपने खुद के प्रेसिडेंट का रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसके बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, और प्रेसिडेंट्स का रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको प्रेसिडेंट का नाम, उसका लोन का नाम, उसकी बर्थ डेट, उसका मोबाइल नंबर और उसका ईमेल आईडी जो प्रेसिडेंट ने स्टार्टिंग में जिसे इंडिया में भेजा था, वो पांच डिटेल्स आपको एरिया डी डी फॉर डॉग areadd@jciindia.in पे नंदिनी मैडम को भेजना है तो वो प्रेसिडेंट की आईडी एक्टिव हो जाए।